हेलो गाइस, तो ये 11th वीडियो है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की सीरीज़ की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्मा, इंट्रो लगा दे। तो सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। तो ये मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम इस टाइटल बार पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक कर्सर साइज़ या फिर कमांड हिस्ट्री, और फिर एडिट ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ पर फॉन्ट्स में हमें कई सारे फॉन्ट चेंज करने के लिए मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं लेआउट में कि हमारी जो विंडो है, इस विंडो का लेआउट कैसा होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे कुछ आते हैं कलर्स, एंड उसके बाद हमारे टर्मिनल की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, तो हम इसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कमांड बताता हूँ जो बेसिकली कस्टमाइजिंग में काम आती हैं। तो सबसे पहली कमांड है टाइटल। ये कमांड क्या करती है, हमारा जो ये ऊपर लिखा रहा है सी विंडो सिस्टम 32 cmd.exe, तो ये इसको चेंज कर देती है, इस टाइटल को चेंज कर देती है। इस टाइटल की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू ये लिखता हूँ, और मैं जैसे ही करूँगा एंटर तो मेरा जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट मेरा टाइटल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं अगली कमांड के बारे में बात करता हूँ जो है प्रॉम्प्ट। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड जो भी मेरी लोकेशन है उस लोकेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रॉम्प्ट के आगे मैं जो भी लिखूँगा उसमें मेरी लोकेशन है, जो वो लोकेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसी लोकेशन लिखी आ रही है सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में पांडे फोल्डर, तो अब प्रॉम्प्ट करने के बाद क्या होगा, ये लोकेशन यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह ये लिखाएगा। तो अभी लिखा रहा है, अब यहाँ पे हम कोई भी कमांड चलाएंगे अपनी, और उसके बाद भी दोबारा जहाँ पे लोकेशन आती थी अब लोकेशन ही आएगी, अब हर बार यही आएगा जब तक हम इसको क्लोज नहीं कर देते। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली कमांड में जो है मोड। ये कमांड क्या करती है, हमारे इस विंडो के साइज़ को एडजस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं करता हूँ मोड और इसके बाद करता हूँ 50, मैं करता हूँ एंटर, तो इसका साइज़ चेंज हो गया। अब मैं दोबारा इसका साइज़ चेंज करता हूँ, मोड 60 कर देता हूँ, या फिर दोबारा चेंज कर, और हम कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, मोड 100, तो ऐसे करके ये साइज़ का चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कमांड के बारे में जो है कलर कमांड। तो कलर कमांड क्या करती है, ये हमारे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का और इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं करता हूँ कलर 02 और मैं करता हूँ एंटर, तो मेरा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। ऐसी और भी कोड्स रहते हैं, 04 करता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक, और फिर कैपिटल ई से लेकर कैपिटल एफ तक, इसमें बहुत सारे कलर कोड्स रहते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज, यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना यार। और जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को एक्सेस नहीं करा है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये कोर्स किसी और की हेल्प कर सकता है तो आप प्लीज़ उसे ये शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कर्मा, आउट्रो लगा दे।